हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पेंटिंग करने वाले हैं एक OHP शीट में। तो देखिए कुछ इस तरीके की OHP शीट आती है, तो इसमें आप ग्लास पेंटिंग कर सकते हैं। तो मैंने एक प्रिंट आउट निकाल रखा है, उसी पे मेरे को 3D आउटलाइनर करके उसमें ग्लास पेंटिंग करनी है। तो कुछ इस तरीके से A4 साइज़ में आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और OHP शीट बिल्कुल देखिए उसी के साइज़ की है, तो उसी के ऊपर हमें वर्क करना है। तो हम दोनों साइड से इसको सेलो टेप से पेस्ट कर देंगे, जिससे जो नीचे का बैकग्राउंड में जो हमने पेपर लगा रखा है वो इधर से उधर ना हो और आप आराम से इसमें 3D आउटलाइनर बना सकें। तो कुछ इस तरीके से सेलो टेप से आप इसको अटैच कर लीजिए। तो हम इसमें पूरी आउटलाइन करने के लिए 3D आउटलाइनर का यूज़ करेंगे। यह है एंटिक गोल्ड 3D आउटलाइनर, जो कि 25 रुपीज़ की MRP में आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा। तो आप इस तरीके के 3D आउटलाइनर से इस तरीके से आउटलाइन बना लीजिए। बहुत ही हल्के से, आराम से आपको पेशेंस रख के इसको पूरी 3D आउटलाइनर जितना भी इसका बॉर्डर लाइन है वहाँ पे आपको इस तरीके से यूज़ करना है। अगर जैसे आपने कभी मेहंदी कोन का यूज़ किया हो तो उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, बस इसमें टाइम लगता है। अब हम 30 मिनट्स तक इसको ड्राई होने देंगे, उसके बाद हम इसमें कलर को अप्लाई करेंगे। तो हम ले लेते हैं ग्लास कलर का पिंक कलर। तो जैसे ये रोज़ बना रखा है तो उसमें मैं पिंक कलर का यूज़ करने वाला हूँ। तो जितना भी देखिए इसमें पिंक एरिया आएगा उसको आप अच्छे से पूरा फिल कर लीजिए। इसको बस हमें खाली फिल करना होता है, तो बस ये ध्यान रखिए कि इसको अच्छे से आप प्रॉपर तरीके से फिल कर लीजिए।
तो देखिए प्रॉपर तरीके से अब हमारी ग्लास पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, बस अब इसको ड्राई होने के लिए हम 5 to 6 hours तक वेट करेंगे और जब ये ड्राई हो जाएगी तो फ्रेम करने के लिए ये रेडी हो जाती है। तो देखिए अब ये ड्राई हो चुकी है और फ्रेम करने के लिए रेडी है, तो मैं सेलो टेप इसका साइड से हटा देता हूँ। तो इसके बैक साइड से जो मैंने प्रिंट करा हुआ पेपर था वो मैं हटा देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी ग्लास पेंटिंग निकल के आ गई है। अब जैसे कि इसमें हमें फ्रेम करना होता है तो बैकग्राउंड में देखिए वही आप बैकग्राउंड लगाइए जिससे आपकी पेंटिंग हाईलाइट ज़्यादा हो रही है। जैसे देखिए अभी वाइट बैकग्राउंड में था तो वाइट आप लगा सकते हैं, कुछ इस तरीके देखिए A4 साइज़ का पेपर आप लगा सकते हैं या फिर कोई सिल्वर ग्लिटर शीट आप इसमें बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपने ग्लास पेंटिंग को फ्रेम कर सकते हैं जिससे आपकी ग्लास पेंटिंग काफ़ी अच्छी लगेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।